नमस्कार, टू इन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को बिता रहे हैं और अपने सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को पा रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के बेनिफिट के बारे में जानेंगे और चक्रास एक्टिवेशन और बैलेंसिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो हीलिंग है वो ट्विन सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये सभी के लिए ज़रूरी है जो भी मेंटल स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, किसी भी नेगेटिव ट्रेड्स नेगेटिव एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए सब माइंड की सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं लास्ट सेशन में कुछ व्यूअर्स जिन्होंने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया उनके एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप अपने शेडो वर्क को कर पाएँ और अपने माइंड के उस सबकॉन्शियस पार्ट को क्लींस कर पाएँ जहाँ पर आप स्टक हैं। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में थ्रॉट चक्रा के ऊपर सेशन लिया गया था। इस सेशन में सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, उनमें से मैं यहाँ पर एक दो एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जो मुझे लगा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी वीरेन जी के एक्सपीरियंस को, कि वीरेन जी ने सबकॉन्शियस हीलिंग और चक्रा मेडिटेशन से अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट, जो कि उन्होंने खुद ही हमें बताया, ये तो हमें नहीं पता चलना था कि उनको कितना बेनिफिट हुआ है। तो वीरेन जी ने बताया इस सेशन में कि कैसे उन्होंने चक्रा मेडिटेशन के थ्रू और सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू अपनी ड्रिंक की हैबिट को बहुत ही ओवरकम कर दिया है। मींस अब वो बहुत कम पीने लगे हैं। पहले वो डेली एक बॉटल रात में पिया करते थे और जब से उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, साथ ही साथ गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट किया है जिसमें सबसे स्पेशल 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तब से उनको इतना फ़ायदा है कि अब वो डेली ड्रिंक नहीं करते। साथ ही साथ वो पहले के मुकाबले बहुत कम ड्रिंक करते हैं। उनके लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो पर्सन डेली एक बॉटल ड्रिंक करता है उसके लिए ड्रिंक छोड़ पाना आसान नहीं है और ना ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी छोड़ने के लिए। फिर ऐसा उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे ये कर लिया? ये किया उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर। जब हम सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं और गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देकर मेडिटेशन कराता है, हमारे चक्रों को बैलेंस कराता है, तो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ट्रेड्स जो हमारे बिहेवियर में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं अंदर डीप में हैं,
वो सारे क्लींज होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो भी नेगेटिव हैबिट्स किसी भी तरह की हमें एडिक्शन होती है वो हमारी धीरे धीरे कम होते हुए ख़त्म हो जाती है। उनकी भी ये जो हैबिट है वो धीरे धीरे कम हुई है, और ये लगातार गाइडेड मेडिटेशन करने से और सबकॉन्शियस हीलिंग करने से पॉसिबल हो पा रहा है। आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर कर और भी बहुत सारी चीज़ें अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स आप अपने पूरे माइंड को कमांड के थ्रू प्रोग्राम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं भी अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैंने भी अपनी बहुत सारी आदतें मेडिटेशन में आने के बाद चेंज की हैं। यहाँ तक कि मैं अगर किसी काम को करने का मेरा मन नहीं होता तो मैं मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, क्योंकि मेडिटेशन हमें मन को काबू करना सिखाता है, हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करता है। तो जब भी कभी मुझे मन करता है कि नहीं अब तो अभी ये काम नहीं करना, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो जैसे ही वो आलस आता है मैं तुरंत उस आलस को एक्सेप्ट करती हूँ। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो शांत हो जाता है। जब हम रिफ्यूज़ करते हैं तो वो दुगनी फोर्स से अटैक करता है। तो मैं अपने आप को शांत करती हूँ, अपने माइंड को, कि हाँ ठीक है मेरा मन नहीं है, नहीं करना है। जस्ट देन तुरंत मैं उठती हूँ और जो काम मुझे करना है वो करना शुरू कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो पाता है। बिल्कुल हो पाता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें इतनी अवेयरनेस, इतनी कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हम अपनी लाइफ को अपने माइंड से ऑपरेट ना कर कर अपनी सोल से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे सब मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी सोल डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट रहती है। तो जो काम सही है हम वही करते हैं। जब तक हम अपने माइंड को ऑपरेट करने देते हैं अपनी बॉडी को, तब तक ही हम परेशान होते हैं। लेकिन जैसे ही ये चार्ज हम अपने स्प्रिट या कहें कि सोल को देते हैं, तो जो हमारी सोल है वो एक्टिव होकर चार्ज संभालती है और हमसे कुछ भी गलत होने नहीं देती। यही कारण है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। वो झूठ बोलने से बचते हैं, गलत काम करना बिल्कुल नहीं चाहते, कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे और हमेशा सही काम करें। इसीलिए आपको भी बार बार मेडिटेशन में आने की एडवाइस दी जाती है। मेडिटेशन आपके एंगर इशू को भी हील करता है, अंदर तक आपको हील करता है, और उन सभी इश्यूज को सरफेस पर लाकर आपको हील कर देता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हैं। चक्र मेडिटेशन भी यही काम करता है कि आपकी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं उनकी ऊर्जा को ओपन करता है और चक्रों को क्लॉकवाइज रोटेट करने में हेल्प करता है। आज हम
इस वीडियो में एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन 7 चक्र ओपनिंग के ऊपर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपनी एनर्जी क्लींस करनी है। उसके लिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर प्रीवियस मेडिटेशन वीडियोस देख सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड लगानी है और उसके बाद मेडिटेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर बैठना है। आप जहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे वो कमरा शांत होना चाहिए, आसपास शोर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि उस कमरे की लाइट बंद कर दें और अगर कोई धीमा साउंड म्यूज़िक, शब्द नहीं, ओनली साउंड म्यूज़िक, बहुत धीमी आवाज़ में अगर ऑन कर सकते हैं तो ये मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सभी अपनी आँखें बंद करेंगे। जिस पोजीशन में आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उस पोजीशन में आप बैठ जाएंगे। आप चाहें तो बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं और आप चाहें तो लेटकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की साइड, जो हमारी टेल बोन है, या आप कह सकते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, वहाँ से लेकर आपके मस्तिष्क तक ऊपर उठती है। अगर हम कमर सीधी नहीं रखेंगे तो ब्लॉकेज के कारण एनर्जी ऊपर अपग्रेड नहीं हो पाएगी, ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, कीप डीप ब्रीथ। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करेंगे, गहरी गहरी सांसें लेंगे। आज हम बहुत कम टाइम के लिए 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना ध्यान रूट चक्रा के ऊपर लेकर जाएंगे। यह हमारी टेल बोन, जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पर स्थित होता है। आप वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी महसूस करेंगे जो आपके थर्ड आई चक्रा में आपको महसूस होती है। गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा करते हुए आप मूलबंध बांध सकते हैं। मूलबंध का अर्थ है जो आपका एनस पॉइंट है या गुदा द्वार है, उसे आप टाइट रखेंगे जिससे कि एनर्जी बाहर पास ना हो पाए और वो ऊपर की साइड उठे। लाल रंग की ये किरणें रोशनी आपके अंदर की सभी नकारात्मकता को, आपके पाँव के तलवे से होते हुए उंगलियों के द्वारा बाहर निकलकर अर्थ में समा रही है। अब आप समस्त प्रकार की गुस्से नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हैं। आपके मन में
किसी भी प्रकार का कोई रोष या क्रोध नहीं है। आप शांत हैं और आपको पांव से संबंधित जो भी तकलीफ है या बीमारी है उससे आप मुक्त हो रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं। ये चक्र आपका पूर्ण रूप से खुल चुका है। अब आप धीरे धीरे अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठने के लिए रास्ता दे रहे हैं। आपकी ऊर्जा इस चक्र को शुद्ध करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात सैक्रल चक्र तक पहुंच गई है। इसका स्थान आपकी बैकबोन में नाभि के दो अंगुल नीचे के ठीक पीछे है। आपके जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे है। यहाँ ऑरेंज कलर की, संतरी कलर की रोशनी फैल रही है। वो रोशनी आपके समस्त अंगों में फैलते हुए आपके मन से समस्त प्रकार के फियर्स को, डर को बाहर निकाल रही है। आप भय मुक्त हैं। आपके सभी जननांग रोगों से आप मुक्त हो रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन, क्रिएशन एक्टिवेट हो रही है। आपकी स्किन प्रॉब्लम हील हो रही है। यह ऑरेंज फ्लेम्स, ऑरेंज लाइट, ऑरेंज कलर संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर रहा है। यह संतरी रंग आपके संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर रहा है। अब आप समस्त प्रकार के रिलेशंस में हार्मनी क्रिएट करने के लिए रेडी हैं। आप सभी प्रकार के संबंधों को समझने के लिए तैयार हैं। अब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। यह आपके सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र तक पहुंच गई है, जहां आपको पीले रंग की रोशनी नजर आ रही है। यह रोशनी बहुत ही चमकदार और प्यारी है। यह आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस को हील कर रही है। आपकी
क्रिएटिविटी को हील कर रही है, आपकी क्रियात्मक रचनात्मक शक्ति को बढ़ा रही है, आपकी पैसे संबंधी समस्त अवरोधों को मुक्त कर रही है। अब आप समस्त प्रकार के वैभव सुखों के लिए तैयार हैं। आप मान पद प्रतिष्ठा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आप नेम फेम मनी प्रेस्टीज के लिए तैयार हैं। अब यह ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपके हृदय चक्र तक पहुंच गई है। यहाँ यह हरी रोशनी को खुलते हुए देख रही है। हरे रंग की रोशनी संपूर्ण शरीर में फैल गई है। ग्रीन लाइट हार्ट चक्र को ओपन कर रही है। आपके समस्त प्रकार के दुखों का अंत कर रही है। अब आप सभी के लिए अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हैं। अब आप हरे रंग की अनकंडीशनल लव की ऊर्जा से सराबोर हैं। समस्त प्रकार के दुखों को आपने पीछे छोड़ दिया है। अब यह ऊर्जा ऊपर उठते हुए आपके थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, उसे खोल रही है। यह ऊर्जा नीले प्रकाश में परिवर्तित हो रही है। यह नीली रोशनी संपूर्ण गले को ठंडा करते हुए समस्त गले के रोगों को मुक्त कर रही है। आप सभी प्रकार के नेक प्रॉब्लम से फ्री हो रहे हैं। आप नीले रंग की ऊर्जा से संपूर्ण प्रॉब्लम्स को क्लींस कर रहे हैं। अब आपको कोई भी गले की परेशानी नहीं है। यह नीली रोशनी आपकी कुछ ना कह पाने की प्रॉब्लम को हील कर रही है। अब आप अपने मन की सभी बातें बिना किसी डर के
सबके सामने रख सकते हैं। आपका गला पूर्ण रूप से इस रोशनी से भर गया है। आपके गले से ओम की ध्वनि निकल रही है। जब यह चक्रा खुलता है तो गले से एक हुंकार अपने आप निकलती है। यह नॉर्मल है। अब यह ऊर्जा ऊपर की ओर उठते हुए आपके आज्ञा चक्र अर्थात आपके थर्ड आई चक्र तक पहुंच गई है। यह चक्रा आपके माथे के बीचों बीच दोनों आईब्रोज के सेंटर में, दोनों भ्रकुटी के मध्य में स्थित होता है। यहाँ गहरे नीले रंग की रोशनी आपके समस्त कन्फ्यूज़न इल्यूजन्स को तोड़ रही है। आपकी समस्त मानसिक परेशानियों को दूर कर रही है। अब आप अपनी आत्मा के द्वारा निर्देशित हैं। अब आप अपनी आत्मा के द्वारा निर्देशित हैं। समस्त प्रकार की आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप एक सुलझी हुई सोच को बनाने में सक्षम हैं। अब आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न या द्विधा नहीं है। अब यह ऊर्जा सीधा क्राउन चक्र सहस्त्रारा तक पहुंच रही है। ऊपर पहुंचते हुए आपको महसूस हो रहा है कि कुछ रंगीन रोशनियां आपके माथे से सहस्त्रारा तक पहुंच रही हैं। यह सिर के ऊपर बीचों बीच चक्र खुल रहा है। यहाँ बैंगनी रंग की रोशनी आपको फैलती हुई नज़र आ रही है। यह बैंगनी रोशनी आपके संपूर्ण शरीर को शुद्ध करते हुए आपको अत्यधिक बुद्धिमान बना रही है। यह ऊर्जा आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना रही है। अब आप पूर्ण जागरूक हैं। आप ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हैं। आप ब्रह्म बनकर ब्रह्म में लीन हो रहे हैं। आप अपना असली स्वरूप पहचान रहे हैं। अब यह ऊर्जा सहस्त्रार से
होते हुए परमात्मा से जुड़ रही है और वहाँ से जुड़कर वापस आपके संपूर्ण शरीर को सफ़ेद रोशनी से भरते हुए आपको एक चमकदार सुनहरे रंग में बदल रही है। यह सुनहरा रंग आपको स्वास्थ्य और मजबूती प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ सिल्वर कलर की रोशनी आपके संपूर्ण शरीर में एक ठंडक का एहसास दे रही है। आप सफ़ेद, सिल्वर और सुनहरी, सफ़ेद, चांदी और सोने, इन तीनों रंगों के मिश्रण की रोशनी से नहा रहे हैं और संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। यह रोशनी आपको अंदर तक शुद्ध करते हुए असीम आनंद की प्राप्ति करा रही है। आप अनकंडीशनल लव को महसूस कर पा रहे हैं और यह ऊर्जा सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, मतलब ऊपर नीचे आ जा रही है और फिर अर्थ से कनेक्ट होते हुए आपके संपूर्ण शरीर को मानसिक, शारीरिक, भावात्मक अर्थात पूर्ण रूप से आपको खुशी, प्रेम और स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। आप अंदर से अत्यंत प्रसन्न हैं, आप अंदर से अत्यंत प्रसन्न हैं। यू आर फीलिंग सो मच हैप्पी, यू आर फीलिंग सो हैप्पी। ये हैप्पीनेस आपको अंदर से स्वस्थ बना रही है। अब आप 2 मिनट के लिए मौन रहकर धीरे धीरे अपनी आँखों को रिलैक्स करते हुए खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद आपको अपने संपूर्ण शरीर को स्ट्रेच करना है, अभ्यास अर्थात या खींचना है, एक्सरसाइज कहते हैं जिसे हम योगाभ्यास, जिससे कि यह डिवाइन एनर्जी हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाए और हम इस ऊर्जा का पूरा पूरा लाभ उठा पाएं। थोड़ी देर आप ऐसे ही बैठ सकते हैं और
ज़मीन पर नंगे पांव 1 घंटे तक आप नहीं चल सकते, क्योंकि अर्थ हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को सोख लेती है। यदि आप तुरंत ज़मीन पर नंगे पांव रखेंगे तो आपकी समस्त यूनिवर्सल एनर्जी अर्थ रिसीव कर लेगी। 1 घंटे बाद बैलेंसिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। आज का ये छोटा सा मेडिटेशन आपको अंदर तक हील करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा। डेली इस मेडिटेशन को करने से आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे और आपके समस्त प्रकार के इशू अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे। आप हैप्पीनेस की स्टेट में और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेट में आ जाएंगे। आप खुश रहना सीख जाएंगे एवं अपनी समस्याओं के समाधान आसानी से निकाल पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप इस मेडिटेशन को कम से कम 30 दिन तक अवश्य करेंगे। जिस दिन करना स्टार्ट करेंगे उस दिन की डेट और टाइम लिख देंगे और 30 दिन के बाद आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करके देखेंगे कि आपने जिस दिन स्टार्ट किया था और आज जिस डेट में आपके 30 दिन पूरे हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। और फिज़िकल फिटनेस के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने बिहेवियर में चेंज पाएंगे और जिस भी इशू को हील करने के लिए आपने यह 7 चक्रा मेडिटेशन किया है उसे हील कर पाएंगे। अगर आप ड्रिंक छोड़ना चाहते हैं, स्मोक छोड़ना चाहते हैं।